नमस्ते, मैं माइक्रोवेव कुकिंग एक्सपर्ट मुक्ति शाह। आज हम माइक्रोवेव में गुजरात की फेमस लीलवा कचोरी कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक कांच के बाउल में हमें 3 बड़े चम्मच ऑयल लेना है, और ये जो ऑयल है वो आप कोई भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मूंगफली ऑयल ले रही हूँ। जो इस इसको मैं पहले 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। 30 सेकेंड माइक्रोवेव, तेल गरम हो गया है। इसी के अंदर अभी हमें हींग डालना है, छोटी चम्मच जितना हींग, और अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो है वो अभी हम डाल रहे हैं। कोई अगर अदरक और लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये जो है तुवे, उसको मैंने हाफ क्रश किया हुआ है, दरदरा सा पीसा हुआ है, और ये 500 ग्राम जितना तुवेर है। छिलने के बाद जो दाने हैं वो 500 ग्राम है, और उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अभी इसको मैं 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं लीड भी कवर कर रही हूँ। इसको ढककर ढकना है। माइक्रोवेव मोड में हाई पावर लेवल पे ही मैं 7 मिनट का टाइम दे रही हूँ। हीट हो गया है, और वापस हम और 7 मिनट रख रहे हैं, जिससे ये अच्छे से कुक हो जाएगा। और आप देख सकते हो इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये और 7 मिनट रखा था, ये अभी अच्छे से कुक हो गया। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गया, और इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, अच्छे से ये कुक हो गया। अभी इसी के अंदर हमें जो है शुगर ऐड करनी है। ये मैंने 2.5 चम्मच जितना शुगर और 2.5 चम्मच जितना तिल, ये रोस्टेड तिल है, 2.5 चम्मच जितना तिल ले रहे हैं, और नमक स्वाद के अनुसार। हल्दी जो है वो बहुत कम, यानी 1/4 टीस्पून जितना ही हल्दी ले रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 कप जितना फ्रेश कोकोनट, जो मैंने मिक्सी में क्रश किया है, वो ले रहे हैं, और इसी के अंदर हमारे पास काजू और किशमिश, वो भी डाल रहे हैं हम इसमें। इसको हम 2 मिनट माइक्रोवेव करेंगे, क्योंकि ये जो मसाले है वो हमारा अच्छे से कुक हो जाए। इसको 2 मिनट माइक्रोवेव के लिए मैं स्टार्ट का बटन 4 बार दबा रही हूँ, और इसी के अंदर मेरे पास ये किचन किंग मसाला है, जो मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रखेंगे। ये हमारा कुक हो गया है। आप देख सकते हो कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, ग्रीन का ग्रीन कलर रहा है। अभी इसी के अंदर हमें 1 नींबू का रस डालना है, और इसी के अंदर हमारे पास ये हरी धनिया और स्प्रिंग गार्लिक, जो लीलू लहसुन, वो डाल रहे हैं। सब मिला के 1 कप जितना होना चाहिए, और इसको अच्छे से अभी हम मिक्स करेंगे। तवा जो है वो मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, और इसको मैं कन्वेक्शन मोड में अंदर रखूंगी, हाई रैक के ऊपर, ऊंचे वाले स्टैंड के ऊपर, और कन्वेक्शन का बटन और 230 डिग्री और स्टार्ट का बटन 2 बार, यानी ये ओवन प्रीहीट हो रहा है। तो हमने आटा गूंदा था, उसी की ही मैं ये पूरियां बना रही हूँ, और इसी पूरी में ही हम ये फिलिंग भर रहे हैं।
और हमारा ये जो स्टफिंग है अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको एक जैसी पूरियां बने हैं उसके लिए हमारे पास ये जो है ये स्पून रहता है, मेजरिंग स्पून। तो उससे हमें ये 2 टेबल स्पून जितना हमारा ये जो स्टफिंग है वो लेना है। और इसको मैं पूरी के अंदर भर रही हूँ और इसको ऐसी हम ऊपर से ऐसे आप देख सकते हैं पोटली बनती है, ऐसी पोटली बना रही हूँ। और इसको यहाँ से मैं प्रेस करूँगी तो ये अपने आप यहाँ से खुल जाएगी। तो आप देख सकते हो मेरी ये कचौरी वाली पोटली बन के तैयार। ये हमारी सब कचौरियाँ भर के तैयार है और इसके ऊपर अभी मैं ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। ओवन हमारा प्रीहीट हो गया है, ओवन को तुरंत हम बंद करेंगे जिससे उसकी गर्मी ना निकल जाए। और जो तवा है उसके ऊपर हमारा ये जो कचौरी वाला पोटली है वो रख रहे हैं और इसको मैंने आगे पीछे सभी जगह पे ऑयल अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे छम ऐसा आवाज भी आ रहा है। और इसको मैं अंदर रखूंगी और कोई भी बटन नहीं दबाना है, डोर ओपन। हमारा फूड जो है वो हाई रैक के ऊपर अंदर रखेंगे और नॉब को राइट साइड घुमा के टाइम दे रहे हैं। 15 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं इसको, 15 मिनट एंड स्टार्ट। ये हमारा 15 मिनट जो रखा था तो हमारा ये कचौरी आप देख सकते हो अच्छे से बेक हो गया है। तो हमारी ये लिलवा कचौरी बेक होके तैयार हो गई है।